आजाद कश्मीर के शिमाली जिला नीलम की केल से ताऊबट मेन शाहराह समेत लैंडस्लाइडिंग से बंद होने वाली दर्जनों राबता सड़कें बंद होने से नीलम के इलाकों संदूक सईदा कुंडल शरीफ जागरा कठे पीरा समेत दीगर कई इलाकों का दो माह से जायद अरसे से जमीनी राबता मुनकता है, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त की मुश्किलात के साथ साथ एशियाई खुदोनोश की किल्लत का भी सामना है। बाईपासों से गुजर रुका सामान उठाकर घरों पर राशन लेके जाकर बच्चों को खिलाते हैं, बल्कि बच्चों को तालीम में बड़ा रुकावट है, इंतहा किस्म की रुकावट है। हमारे बहुत से क्लास फेलोज यहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी भी हो गए हैं। यहाँ पे थोड़ी बारिश के साथ स्लाइडिंग स्टार्ट होती है बहुत, यहाँ पे ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं, फिर हमें वहाँ ऊपर से जाना पड़ता है और वहाँ से हमें बहुत मुश्किल होती है। ये जो 800-900 फुट से ज़ायद फासला बनता है, इसकी वजह से यहाँ से पीछे की जो मकामी आबादी है उसको 3-4 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है यहाँ से ऊपर जाके आगे जंगल से। मुतासर इलाके के लोगों का कहना है कि वो मरीजों को कई कई किलोमीटर कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन अहले इक्तदार इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। काफी अर्से से ये रोड ब्लॉक हो चुकी है, जब बारिश हुई थी तो ये रोड ब्लॉक हो गई है। बच्चों को स्कूल में आने जाने में, मरीजों को अस्पताल लाने में रास्ता नहीं है और गवर्नमेंट ने अभी तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी हुई। मकामी आबादी को बिजली देने के लिए बनाया गया जो पावर हाउस है उसके लिए भी ये रोड चलती है, लेकिन पिछले एक माह से ये रोड बंद होने की वजह से पावर हाउस का भी मामला। दूसरी तरफ महकमा शहरात के हुकाम का कहना है कि मशीनरी की महदूद इस्तेदाद कार की वजह से बड़े पैमाने पर तबाह होने वाली सड़कों को बहाल करने में वक्त दरकार है। राबता सड़कें बंद होने की वजह से किसी भी हंगामी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयां करने वाले अदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। कैमरामैन MD मुगल के साथ तजीम यासीन, दुनिया न्यूज़, कुंडल शाही, जिला नीलम, आज़ाद कश्मीर।